राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरे पिछले मिनी व्लॉग्स देखे होंगे। ये व्लॉग आने में थोड़ी सी देर हो गई है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे हमारे सारे फ़ोन सबमिट कर दिए गए थे। ओवरनाइट हमारे मोबाइल फ़ोन सबमिट रहे थे, देन मॉर्निंग में हमें दर्शन करने के बाद हमारे फ़ोन मिले थे, क्योंकि दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब हमें टिकट मिली थी दर्शन की, उसके बाद दर्शन क्लोज़ हो चुके थे, तो हम अपने होटल में जाके आराम किया हम लोगों ने, और सुबह नहा धो के फ्रेश अप होके हम वापस आए थे। तो ओवरनाइट हमारे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि फ़ोन अगर एक बार सबमिट हो जाता है तो वो दर्शन के बाद ही हमें मिलता है। फ़ोन जब मिला, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर किया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, और हमारे दर्शन भी बहुत सुंदर हुए थे। मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, जो मैं शायद लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती कि यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती, और कैप्चर तो करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ के किसी भी मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, वो बाहर ही सबमिट कर दिए जाते हैं। देन हम लोगों ने टीका लगवाया, क्योंकि हमें आज पूरा तिरुमाला घूमना था। यहाँ के बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा भी 6 और मंदिर हैं जो हमें घूमने थे। तो फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं अन्नप्रसादम की तरफ, जो कि यहाँ पे ही अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, और मे बी यहाँ पे 10 हॉल हैं, और एक हॉल में 1000+ लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं। तो जब तक हमने ये व्यू देखा तो हमें इतना अच्छा लगा, हम थोड़ा सा सीन कैप्चर करने लगे, पिक्चर्स लेने लगे, तो हॉल नंबर 1 तो पूरा फिल हो चुका था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग एक बार में ही खाना खा रहे हैं। तो हम गए थे 2nd हॉल में, और वहाँ पे भी बिल्कुल पूरी तैयारी हो रखी थी। केले के पत्ते में ही यहाँ पे खाना सर्व होता है। यहाँ साउथ की खास बात यही है, सांभर चावल चटनी ऑल बहुत ही स्वाद था, मतलब बहुत ही टेस्टी। देन हम लोग निकल चुके हैं 6 जगह पे जो तिरुमाला में ही स्थित हैं। तो अभी हम जा रहे हैं 1st प्लेस की तरफ। देखिए, हम पहुंच चुके हैं 1st प्लेस की तरफ। ये जितने भी पेड़ हैं, इनमें से काफ़ी पेड़ जो है चंदन के पेड़ है, लाल वाला चंदन जो सिर्फ साउथ में ही अवेलेबल होता है। ये देखिए रंगून, मैंने तो पहली बार देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर भी कर लिया था। और अभी हम सीढ़ियों की तरफ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो वहाँ टेम्पल आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में, वहाँ पर तिरुपति महाराज के चरण स्थापित हैं। तो हमने तुलसी और फूल लिया उन्हें चढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह और फ़ोटो खींचने अलाउड नहीं होती, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। और दर्शन करके हमने निकल चुके थे दूसरी जगह, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम है शिला तोरणम, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे खास बात है, जो स्टोन आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही कम जगह अवेलेबल होते हैं, और बहुत बहुत साल पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने हैं ये स्टोन हैं। और वहीं पे ये हमें पीकॉक भी देखने मिला, जो कि मैंने इतनी नज़दीक से फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा था। और यहाँ की ग्रीनरी की बात करें तो हम जितनी भी जगह घूमे हैं, ग्रीनरी में कोई कमी नहीं रही है। मैं आपको छोटी सी झलक दिखाऊंगी, ये देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे और कितने अलग अलग टाइप के, जो हमें शायद यहाँ पर देखने भी नहीं मिलेंगे। भाई साउथ के टेम्पल्स की तो बात अलग है, मैंने फर्स्ट टाइम बैक गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए पहाड़ों में से पानी भी निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता है, किस साइड से आ रहा है ये भी नहीं पता है। इवन हम सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ पर इतना सुंदर नज़ारा है। अभी हम तिरुमाला में ही हैं, ये तिरुमाला के ही मंदिरों को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू, पहाड़ों का तो व्यू वैसे ही बहुत सुंदर होता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं 3rd मंदिर, जहाँ पे बालाजी की, तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्थापित है। मुझे नहीं पता था कि इस मंदिर में अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं, तो मैं ले गई थी और मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर भी कर लिया। इतने में ही मुझे टोक दिया गया था कि सेल फोन रख दीजिए, अलाउड नहीं है, तो इतना ही कैप्चर कर पाई। और ये अभी हम निकल चुके हैं 5वें मंदिर की तरफ, और इस जगह का नाम है आकाश गंगा। तो वैसे भी यहाँ के नाम बहुत ही मतलब अलग तरीके से हैं, जो कि याद ही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तेलुगु आती ही नहीं है। तो मुझे कुछ ही नाम याद है जो थोड़ा सा हिंदी में लग रहे थे, तो उनमें से एक ही नाम याद है, आकाश गंगा।
देखिए पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर व्यू था, और यहीं पे पहाड़ों में से ही पानी निकल रहा था, जल जो हमने पिया, इतना इतना टेस्टी, इतना निर्मल, मतलब बिल्कुल सारे फिल्टर फेल इसके आगे, बहुत ही टेस्टी पानी लग रहा था। यहाँ पे हमने दर्शन किया, थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी, देन हम आगे दूसरी जगह जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमें डे वन के अंदर पूरा तिरुमाला में जितने भी मंदिर हैं हमें सब घूमने थे। तो हम जल्दी जल्दी गए, दर्शन किए और थोड़ा मस्ती करी, इंजॉय करते करते हम अगले मंदिर पे विजिट कर चुके हैं, और ये यहाँ का लास्ट मंदिर पाताल गंगा। देखिए सारे पहाड़ों पर ही ये मंदिर स्थित थे, तो दर्शन करके हम लोग अब निकल चुके हैं तिरुपति जाने की तरफ। ये तिरुमाला हमने पूरा घूम लिया था एक ही दिन के अंदर, तो यहाँ से अब हमने करी कैब और अब हम पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरेंगे। ये देखिए हम पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो वहाँ से पूरी तिरुपति सिटी हमें दिखती है, और देखिए कितना कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं तिरुपति में। और वहाँ पे हमने लिया होटल स्टे करने के लिए, और ये हमारा होटल। देन होटल में हम लोग थोड़ा फ्रेश अप होके निकल चुके थे बाहर डिनर करने के लिए। तो ये सारा हमारा डे वन है तिरुपति। बाकी डे टू में हमने क्या किया है देखिए नेक्स्ट।